कच्छ जिला युवा कांग्रेस समिति ने विस्तृत कारोबारी ने बैठक योजाई। देखिए, लगातार गुजरात प्रदेश युवा कांग्रेस का प्रभारी बनने के बाद प्रत्येक जिला में युवा कांग्रेस की विस्तारित बैठक रखी गई है। आज इसी दौरान आपके जिले कच्छ में जिला युवा कांग्रेस की एक दिवसीय कारोबारी की बैठक में शामिल होने को आया हूँ। और जब मैं यहाँ आया तो मुझे जानकारी मिली कि किस तरह से पूरे ज़िले में नशा और ड्रग्स का कारोबार फैला हुआ है और सीधे तौर पे ये राज्य सरकार के इशारे में हो रही है। 27 सालों से भाजपा की सरकार है और जितना करप्शन इनके सरकार में बढ़ा है, मुझे नहीं लगता भारत देश में किसी राज्य में इतना करप्शन होगा। आगे की आपकी रणनीति क्या होगी और किस तरह उत्साह करेंगे युवाओं? निश्चित तौर पे आने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए हम लोग अभी से ही तैयारी में लग गए हैं, जुट गए हैं। यूथ कांग्रेस की विस्तारित कमेटी को हम लोग आज तय करेंगे और जो कमेटी में निष्क्रिय लोग हैं पद पे, उनकी हम लोग छुट्टी करेंगे, नए काम करने वाले लोगों को जिम्मेदारी सौंपेंगे, ताकि हमारा जो इंडिया गठबंधन है, इंडिया गठबंधन के बैनर तले देश में हमारी सरकार बन जाए। सर, ऐसा लग रहा है कांग्रेस थोड़ी गुजरात में थोड़ी कमजोर दिख रही है। मैं आज आपके जिला में लगातार, मैंने बोला पहले भी कि मैं प्रभारी बनने के बाद जिला स्तरीय सम्मेलन कर रहा हूँ। यूथ कांग्रेस के कार्यकारिणी की बैठक में प्रत्येक जिले में जो कमेटी के लोग हैं, भीड़ की बात मैं नहीं कर रहा हूँ, जो संगठन में लोग हैं, जो पदाधिकारी हैं हमारे, वो 100-100 200-200 की संख्या में लोग मिल रहे हैं मुझे। तो मुझे नहीं लगता है कि कहीं संगठन कमज़ोर है। बेसिकली हम सत्ता से दूर है 27 वर्षों से, तो लोगों में एक निराशा है, ये मैं मानता हूँ। लोगों के साथ कनेक्ट करने के लिए आपकी क्या कोशिश है? देखिए, ये जो अभी 16 तारीख से लेकर 18 तारीख के बीच में हैदराबाद में इंडिया गठबंधन की बैठक होनी है, 5 गारंटी कार्ड हैदराबाद में दिया जाएगा इंडिया गठबंधन के तहत। हम लोग यहाँ के युवाओं को, नौजवानों को सीधे तौर पर, जिस प्रकार कर्नाटका चुनाव में युवक कांग्रेस ने डोर टू डोर कैंपेनिंग करके कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों को सपोर्ट किया और जिताने का कार्य को किया, उसी प्रकार युवक कांग्रेस के साथी गुजरात में भी और पूरे आपके ज़िले में, कच्छ ज़िले में भी घर घर जाके कांग्रेस की विचारधारा को बताने का कार्य को करेंगे। क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि आज देश में किस तरह की विचारधारा के लोगों का सत्ता चल रहा है, तो इनको सत्ता से हटाना है, ये हमारा प्रमुख उद्देश्य है आने वाले 2024 के चुनाव में। अब मुझे पूरा भरोसा विश्वास है, क्योंकि मैं जिस प्रकार पिछले दिनों में बिहार का प्रभारी था, इससे पहले त्रिपुरा का प्रभारी था, तो मैं जो देख रहा हूँ कर्नाटका में भी मैंने इलेक्शन देखा, हिमाचल में भी देखा, कि इनकी सत्ता आने वाली नहीं है। दोबारा छेला 15 दिवस थी समग्र गुजरात में प्रवास चालू है। एक दिवस में 2 जिला की कारोबारी की मीटिंग, आता दिवसों की अंदर युवक कांग्रेस रोडमेप, आता दिवसों की अंदर कांग्रेस अंदर युवक कांग्रेस महत्व स्थान जो राष्ट्रीय लेवल से आप जवाबदारी अपने आपी है कि आता दिवसों की अंदर बूथ मैनेजमेंट प्रोग्राम हो, हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा की मेम्बरशीपनू जो कामगिरी जो रही एना आज खास अमरी जिला कारोबारी मीटिंग है। अने आता दिवसों की अंदर एक महीना की अंदर अमरु जो संगठन जे रू समग्र गुजरात की अंदर जिला पंचायत की सीट वाइज, तालुका पंचायत की सीट वाइज और जो शहरों रिया या वॉर्ड प्रमुख से ले आखी कमिटी ने जो अमर रचना करवानी है एना महत्व मुद्दा पर आज की मीटिंग है। बीजू कि आता दिवसों की अंदर એટલે આવતા મહિને સમગ્ર ગુજરાતમાં બેરોજગારી, મોંઘવારી અને ડ્રગ્સના મુદ્દા ઉપર યુવક કોંગ્રેસ કલેક્ટર કચેરીના ઘેરાવ કરવાની છે અને આવતા દિવસો ઉપર સડક ની ઉપર સંઘર્ષ થશે ભાજપની સરકારે ને જે આ જનતા 156 સીટ જે આપણે આપી હતી ને આજ આ ગુજરાતના યુવાનો હોય, મહિલાઓ હોય, ખેડૂત વર્ગ હોય, તમામે તમામ વર્ગ જ્યારે દુઃખી હોય એના તમામના મુદ્દા ઉઠાવી અને આવતા મહિને સમગ્ર ગુજરાતની અંદર સંઘર્ષ કરવા માટે રોડ ઉપર ઉતરવા માટે યુવક કોંગ્રેસ સજ્જ છે અને એના માટેની જે રણનીતિ જે રહી
એની આજે મીટિંગ છે. આવરણ ધ પેઇન્ટ પ્લાનેટ. કચ્છનો વિશાળ ડિસ્પ્લે સાથેનો એકમાત્ર કલરનો શોરૂમ, ઘર ઓફિસ સહિત તમામ બાંધકામમાં સપનાના રંગો પૂરો અમારા સંગે. ડેકોરેટિવ કલર, ટેક્સચર કલર, ઇન્ડસ્ટ્રિયલ કલર, ડ્યુકો તેમજ પીયુની વિશાળ રેન્જ. સજાવટ માટે વોલપેપર, વોલ સ્ટીકર્સ, કાર્પેટ, આર્ટિફિશિયલ ગ્રાસ,